नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका शर्मा। दुनियादारी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक अच्छे स्वास्थ्य की, जो कि आज के समय में बढ़ते प्रदूषण और तनाव के कारण स्वस्थ रहना मुश्किल है। लेकिन इसके बाद भी जीवन में दैनिक दिनचर्या और खान पान को संतुलित करके आप काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। खुद को स्वस्थ रखने के लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि रोज़ाना सुबह उठकर व्यायाम व योग अवश्य करें। कम से कम 7 घंटे की नींद अवश्य लें, क्योंकि देर रात तक जागने से रोग प्रतिरोध की क्षमता कम हो जाती है। सिगरेट, तंबाकू जैसी नशीली चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पेट बाहर निकलने का सबसे बड़ा कारण खड़े होकर या कुर्सी मेज़ पर बैठकर खाना खाने से होता है, इसीलिए खाना ज़मीन पर बैठकर खाना चाहिए। शाम को खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलें। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठ जाने से हमारे शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, इससे हम खुद को रिलैक्स महसूस करते हैं। उसी तरह हम तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड को अवॉइड करने से अपने लीवर, किडनी आदि अंगों को प्रभावित होने से बचा सकते हैं। खाना खूब चबा चबा कर आराम से खाएं, जिससे हमारी पाचन क्रिया ठीक रहती है और खाना जल्दी से पच जाता है। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल, दूध, दही व सब्जियों का सेवन करें। इन्हीं छोटी छोटी आदतों को अपनाने से हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं। ऐसे ही स्वस्थ बने रहने के लिए आपको कुछ बुरी आदतों को छोड़ना होगा। खाना खाने के बाद नहाने से पाचन शक्ति मंद हो जाती है, और इसी प्रकार खाना खाने के तुरंत बाद कठिन परिश्रम करना या सो जाने से पाचन शक्ति को नष्ट करता है। अत्यधिक ठंडे पदार्थों को खाने से हमारी बड़ी आंत सिकुड़ जाती है, और इससे हमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज नाम की बीमारी हो जाती है। टाई को कसकर बांधने से और आँखों की रोशनी प्रभावित होती है। तले हुए भोजन को खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खाना आसानी से पच नहीं पाता है, जिससे हमें एसिडिटी व कब्ज जैसी बीमारियां हो जाती हैं। रात्रि को सोने से पहले परमात्मा को धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। चाहे आपका दिन कैसा भी गुजरा हो, आपने पूरे दिन जो भी काम किया हो उस पर विचार करें और अगले दिन के कामों की योजना बनाएं, और एक गहरी लंबी सांस लेकर शरीर और मन को शांत करने का प्रयास करें। अगर आपको हमारी सभी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।